तो देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम दौर पर है, तो वहीं देवघर डीसी विशाल सागर और देवघर एसपी ने सभी अधिकारियों के साथ कांवड़ियों के लिए बनाए जा रहे रूट लाइन का जायजा लिया। देवघर के डीसी विशाल सागर ने बताया कि रूट लाइन में श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध करने और उनके लिए बिजली, पानी, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि देवघर आने वाले श्रद्धालु 105 किलोमीटर की लंबी पांव पैदल यात्रा तय कर जब कतार में खड़े होते हैं तो काफी थके रहते हैं। ऐसे में इनके रूट लाइन में उनकी सुविधा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है। मुख्यतः ये है कि रूट लाइन में जो हमारा चैनल बनता है जिसमें कि श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं जलार्पण के लिए, उसकी विड्थ कितनी रहनी है, उसमें नीचे साफ़ सफाई रहनी चाहिए, साइड से पूरा जो है साफ़ सफाई रहना चाहिए। तो नगर निगम के भी पदाधिकारी साथ में हैं, अभी उनको भी ये जानकारी है कि साथ साथ में सफाई करवाते हुए चलना, एक्टिव करवा लेनी है अपनी टीमों को। दूसरा ये है कि पब्लिक की सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, तो मुख्यतः हम लोग यही देखना चाहते हैं कि जो भी हमारा चैनल बन रहा है, जो रूट लाइन है, उसमें पब्लिक की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो उससे संबंधित जो डायरेक्शंस हैं वो मैंने ऑफिसर्स को दिए हैं, वेंडर्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, टेंट वाले लोग जो काम कर रहे हैं उनको बता दिया है, माइनर जो चेंजेस करने की आवश्यकता है उसके बारे में डायरेक्शन दिया जा चुका है। हम लोगों की तैयारी ऑन ट्रैक है, मोस्ट प्रोबेबली ये मानते हैं कि आप 17-18 तारीख पर हमारा पूरा रूट लाइन में जितना भी टेंटिंग का कार्य होना है।